दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतिहास में कुछ ऐसे भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम थे जो यातायात व्यवस्था में सफल नहीं हो पाए और किसी न किसी कारण इन परियोजनाओं को बंद करना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ऐसे ही तीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, वे कौन से थे और उन्हें क्यों बंद करना पड़ा। बीच न्यूमैटिक ट्रांजिट, यह 1869 का वक्त था जब अमेरिकी मेट्रो आविष्कारक अल्फ्रेड बीच द्वारा न्यूमैटिक ट्रांजिट के लिए न्यूयॉर्क शहर के नीचे टनल बनाने का काम शुरू किया गया और इस प्रकार अगले वर्ष ही ब्रॉडवे के नीचे चलने वाली 95 मीटर लंबी लाइन तैयार हुई, जिसमें लगभग 11,000 से अधिक लोगों ने सवारी की। लगभग 4,00,000 टिकट एक वर्ष में बेचा गया। हालांकि अल्फ्रेड इस परियोजना का विस्तार करना चाहते थे, लेकिन सरकारी अनुमति और वित्तीय सहायता न मिलने के कारण उन्हें इस परियोजना को बंद करना पड़ा। 1953 में इस परियोजना को सरकारी अफसरों द्वारा पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया और टनल को भी सील कर दिया गया। एरो ट्रेन 1965 से 1977 तक फ्रांस में विकसित हुआ। मुख्य इंजीनियर जीन बार्टिन थे। रेलगाड़ियों के पटरियों से अलग इसमें मैग्नेटिक पटरियां थीं। नतीजतन एरोट्रेन तकनीकी जटिलता और चुंबकीय उत्तोलन के महंगे पटरियों के बिना उच्च गति पर यात्रा करने में सक्षम था। इसके एक मॉडल IATHV ने मार्च 1974 में 430.4 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचकर विश्व रिकॉर्ड की स्थापना की। एरोट्रेन के लिए बहुत कुछ चल रहा था। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इसे बंद कर दिया गया? लोगों का मानना था कि इसके दो कारण थे। पहला, इसके मुख्य इंजीनियर जीन बार्टिन की मृत्यु और दूसरा, धन की कमी। स्पेस एलिवेटर, अंतरिक्ष लिफ्ट की प्रमुख अवधारणा वर्ष 1895 में हुई जब रूसी वैज्ञानिक कॉन्स्टेंटिन टियो ओल्कोस्की पेरिस में आइफिल टावर से प्रेरित हुए। उन्होंने एक ऐसे टावर पर विचार किया जो कि पृथ्वी से अंतरिक्ष में सभी रास्ते तक पहुंच सकता था और जिसकी ऊंचाई लगभग 35,786 किलोमीटर थी, जो कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट की ऊंचाई कहलाती है। स्पेस एलिवेटर पर बहुत सारे डिजाइन्स बनाए गए, पर लगभग हर डिजाइन में एक बेस स्टेशन, एक केबल क्लाइंबर और काउंटर वेट शामिल था। हालांकि स्पेस एलिवेटर जैसी यातायात साधन की कल्पना करना आसान था, परंतु इसे वास्तव में बनाने के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहला पृथ्वी के रोटेशन से ऊपरी हिस्से पर ऊपर की ओर सेंट्रीफ्यूगल यानी केंद्रा प्रसारक बल बनेगा, जिससे संभालने के लिए बेस स्टेशन से जुड़ा केबल बेहद हल्का और मजबूत होना आवश्यक होगा। दूसरा, एलिवेटर को सूर्य से निकलने वाले रेडिएशन से बचाना, और तीसरा, अंतरिक्ष वस्तुओं जैसे मीटियोराइड्स, माइक्रो मीटियोराइड्स और अंतरिक्ष में मानव निर्मित मलबे से।